सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से आपके लिए नया वीडियो लाया हूँ। किसान भाइयों, ये मूंगफली की फसल है हमारी, जो कि हमने पिछली बार 4 बीघा में लगाई थी ओनली, और 10 क्विंटल प्रति बीघा की औसत आई थी। इस बार जो हमने मूंगफली लगाई है, ये पूरी लगभग 11-12 बीघा में है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरे क्षेत्र में मूँगफली लगी हुई है, जो ये 10 से 11 बीघा तो ये है, और 1 से 1 बीघा के लगभग हमने उधर पट्टी में उस साइड में लगाई है। तो किसान भाइयों, पिछली बार मूंगफली का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा था, तो इस बार हमने और ज़्यादा मूंगफली लगाई है। ये मूंगफली की जो बुआई है, ये है 5 जून के आसपास की है। तो अभी आज हो गया है 20 जुलाई, तो इसको 1 महीना और 15 दिन की ये मूंगफली है। अभी हमने इसमें खाद के रूप में थोड़ा सा खाद डाला है, तो पहले ये शुरुआत में निकलती हैं तो पीली रहती हैं, तो अभी ये थोड़ा देखो इसका कलर चेंज होने लग गया है। तो इस एरिया में मूंगफली बहुत अच्छी होती है, गर्मी की फसल, सभी किसान भाई आराम से कर सकते हैं, और गुंजाइश है तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करें अगर पानी मीठा है तो। पानी मीठा नहीं होता है तो मूंगफली की फसल नहीं होती है, इसलिए पानी मीठा होगा तभी मूंगफली की फसल होगी। खारा पानी में मूंगफली जलने लग जाती है। और ये देखिए, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये खेजड़ी का पेड़ है, इसके नीचे आप देखो मूंगफली फसल कैसी है। इसके नीचे अलग ही फसल दिखती है और इसके अपोजिट में थोड़ी अलग दिखती है। इसमें खाद देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। एक खेजड़ी का जो पेड़ होता है वो 1 DAP के कट्टे के बराबर काम करता है हर साल। मतलब एक पेड़ है तो आपको 1 DAP का कट्टा उस खेत में लगभग आपको मिल रहा है। साथ में आपको छाया मिल रही है और सांगरी मिल रही है, पशु पक्षियों को चलाने के लिए आपको लौंग मिल रही है, आपको अगर लेना चाहो तो ईंधन भी मिल सकता है। तो इस पेड़ को कभी भी अपने खेत से नहीं हटाना चाहिए। इसके नीचे आप फसल देखते हैं तो पूरे खेत से सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त फसल है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे मिलेगी। तो ये देखो मूंगफली में आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ये तो इधर देखो आप, और उसके बाद में इस पेड़ के नीचे देखो आप, तो पूरा अंतर है। एक ही दिन की फसल बोई हुई है, इसलिए इस पेड़ को कभी भी ना हटाएं। तो किसान भाइयों, ये हमने लगाई थी 5 जून के आसपास। अब इसका क्या रिजल्ट रहेगा, मैं अक्टूबर में शायद दोबारा आऊँगा, तब आपके लिए फिर वीडियो बनाऊँगा कि ये बेड प्रेजेंट कैसी है। और अभी तक ये इसका रिजल्ट है, और हमने इसमें पहले जो स्प्रे कर दिया था ताकि इसमें खरपतवार कम हो, तो खरपतवार तो इसमें कम है, लेकिन कहीं कहीं तो इसमें मोथा घास है जो कि मरता नहीं है, बहुत ही मतलब जिद्दी घास होती है, बिल्कुल एकदम उगाती है। ये जो घास है ये मोथा घास है, ये उगाती है, ये तो मरती नहीं है। इसका भी हम कुछ इलाज कर रहे हैं, अभी निकाल देंगे कस्सी से। तो ये इसका पूरा डिटेल मैं आपको बता दिया है। अब अक्टूबर में मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि मूंगफली लगाई थी इस बार कैसी चल रही है, कैसी ग्रोथ है। पिछली बार तो भाव भी बहुत अच्छा मिला था, 4 बीघा में हमने 2,69,000 रुपये की मूंगफली बेच दी थी, जो अलवर साइड में हम 10 बीघा में सरसों बेच पाते हैं इतने में। तो कहाँ 4 बीघा, और ये डेढ़ लाख रुपये बीघा वाली ज़मीन, और वो 20 लाख 30 लाख 10 लाख वाली ज़मीन। तो इसमें यहाँ पे गर्मियों की फसल बहुत अच्छी होती है, और अलवर में है वो सर्दियों में गेहूँ उसकी सरसों वाली फसल बहुत अच्छी होती है। तो ये पूरे एरिया में हमने मूंगफली लगा रखी है, ये देखिए पूरे एरिया में। उस साइड में खेजड़ी के उधर में हमने 1.5 बीघा मूँगफली और लगाई है इस बार, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता, लेकिन उधर मैं जा नहीं रहा हूँ अभी, आज घर भी जाना है मुझे। तो ये देखिए आप, ये पूरे 10 बीघा में इधर, 1 बीघा में उधर। तो ये देखो इधर कलर देखो आप इसका, थोड़ा पीला पीला है, अभी हमने खाद डाला है, इसका कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आप अगर आप इस एरिया में हैं, पानी प्रचुर मात्रा में है, मीठा पानी है, तो मूँगफली अच्छी तरह से लगाएं, अच्छा प्रॉफिट किसान को होता है। तो उसमें आप कोई भी वो ना करें कि भाई मैं 2 बीघा में लगा देता हूँ, 3 बीघा में, अगर पानी अच्छा है और गुंजाइश है तो आप उसमें अच्छी जगह में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जगह में मूँगफली लगाएं। इसमें एक ही नुकसान होता है कि इसमें बीज बहुत कॉस्टली आता है, लेकिन अगर मूँगफली अच्छी बैठ जाती है तो वो सब वसूल हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, तथा कमेंट करके मुझे बताएं कि ये 1 महीने और 15 दिन की मूंगफली की ग्रोथ कैसी है। धन्यवाद।